कुछ धारणाओं पर हमें ध्यान देना है बहुत, उन धारणाओं में एक धारणा है सहज जीवन, अपने जीवन को सहज जीवन का आनंद लेते हुए जीना है। ये सहज भाव से जीना जिसने सीख लिया, समझ लें उसने बहुत बड़ी विद्या प्राप्त कर ली, सहज भाव। और इसके लिए याद रखना है, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही सब कुछ नहीं होगा, या होगा ऐसा नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस को कम कर दो, कामनाओं को कम कर दो, तो बहुत सुखी हो जाएंगे। हर एक का अपना अपना पार्ट है ना, हर एक का अपना अपना संस्कार है जीवन में, यह सबके एक से संस्कार हैं, किसी में कोई कमी है किसी में कोई खूबी है, ये तो है ही कलयुग के अंत में। स्वीकार करना दूसरी धारणा, बहुत ध्यान देंगे इस धारणा पर, स्वीकार करना। क्या क्या स्वीकार करना है, अब थोड़ा विस्तार से देख लें। पहले तो जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं उनको स्वीकार करें, ये मैं हूं। अपनी किसी कमी को भी स्वीकार करें और अपनी महानताओं को भी स्वीकार करें। कमियों को स्वीकार करेंगे तो बदल देंगे, महानताओं को स्वीकार करने से वो महानताएं जीवन में आ जाएंगी। स्वीकार करना है हमें उन चीजों को जिनको हम बदल नहीं सकते, चाहे हमारी हो या दूसरों की, हमें स्वीकार करना है। वाइब्रेशंस देने हैं, फिर आपके घर में कोई व्यक्ति है ऐसा वैसा करता है, सब उससे परेशान होते हैं, परेशान होने से क्या होता है, अपनी एनर्जी नष्ट होती है, तो हम उसको प्रभाव नहीं डाल सकते। अगर हम परेशान न हो के उस व्यक्ति को वाइब्रेशंस देने लगे तो व्यक्ति कुछ दिनों में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए उन चीजों को भी स्वीकार कर लेना है जिन पर हमारा अधिकार नहीं है। अभी सृष्टि के बहुत सारे विधान पे तो हमारा अधिकार नहीं है ना, धुंध पड़ रही है सवेरे बहुत, अब कोई परेशान होने लगे, क्या ये धुंध इसने खराब कर दिया सब कुछ, सूरज ही नहीं निकलता, हम तो दुखी हो गए, ठंड बहुत लगती है, कुछ दिखता ही नहीं, होगा कुछ, धुंध हट जाएगी। लेकिन अगर उसे हटानी है तो क्या करेंगे बताओ, कुछ किया भी जा सकता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, प्रकृति की मालिक हूँ, इस स्वमान से फिर संकल्प करेंगे, हल्की हो जाओ, हल्की होने लगेगी। प्रकृति के हम मालिक बन सकते हैं, लेकिन दुखी होते रहे, रोज परेशान होते रहे, बहुत बारिश हो रही है, दुखी हो गए हम तो, कीचड़ कीचड़ सब जगह, कपड़े भी नहीं सूखते हैं, बड़ी गंदगी हो गई है, दुखी होने से रुक जाएंगे? एंजॉय करो। देखो हम मधुबन में पहुँचे, छोटे बच्चे थे, वहाँ बरसात बहुत होती थी, उन दिनों बहुत होती थी, फोग रहती है जैसे यहाँ धुंध ना, इससे कहीं ज़्यादा, बादल नीचे, परेशानी होने लगी, एक एक मास तक सूरज दिखाई ना दे, परेशानी होने लगे, कपड़े गीले, तब साधन नहीं होते थे सुखाने के। मैंने सोचा परेशान होने से क्या फ़ायदा होगा, अब मैं घूमने चला, मैंने सोचा वाह सूक्ष्म वतन नीचे उतर आया है, मैं सूक्ष्म वतन में घूम रहा हूँ फरिश्ता, मज़ा आने लगा। उसमें ठंड तो नहीं होती, बरसात के दिन होते हैं। संकल्प बदलते ही स्थिति बदल जाती है, संकल्पों को महान बनाना है तो सहज जीवन, उन चीजों को स्वीकार कर लें जिनको हम बदल नहीं सकते, और
आनंद लें। हमें तो खुश रहना है। बाबा की बात हम सदा ही सुनते हैं, ज्ञानी आत्मा वो जो मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति में समान रहे। तो काम करेंगे ना इस पे, मैंने भी काम किया। लोग निंदा करते थे, मैं सोचता था ये निंदा क्यों करते हैं, हम इतने अच्छा काम करते हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा, पहले ऐसे सोचते थे। तो खुशी गुम होती थी, फिर थोड़ी धीरे धीरे रोशनी बढ़ती गई। संसार में ऐसा कोई मनुष्य हुआ ही नहीं जिसकी निंदा ना हुई हो। स्वामी विवेकानंद हुए, महात्मा गांधी हुए, अभी अभी के जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लोगों ने उन्हें गाली भी बहुत दी, लेकिन उन्होंने किए, निंदा से वो रुके नहीं, कार्य किए। और निंदा उसी की होगी, मेरी समझ में आ गया, ये जो निंदा कर रहे हैं ये तो कुछ काम ही नहीं करते, जो करता है निंदा उसी की तो होती है भाई। गलती भी उससे ही तो होगी जो कुछ काम करेगा, जो कर ही नहीं रहा उससे गलतियां कहाँ होंगी। हल्का हो गया चित्त। और फिर भगवान ने कहा तुम्हें समान रहना है, तो समान रहना है। सहनशील होने की आज्ञा किसने दी हमें, तो हमें इसलिए भी सहन करना है क्योंकि वो भगवान की आज्ञा है। हमें बाबा ने मुरली में कहा था, तुम इसलिए भी सहन करो क्योंकि वो बाप की आज्ञा है तुम्हें। सहन करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे ना। तो सभी बहुत ध्यान देंगे, सहज जीवन, जीवन का आनंद लेंगे, संतुष्ट होकर चलेंगे। और एक बात जो मैं सदा कहता हूँ क्लासेज में, आपने बहुत सुनी होगी लेकिन वो तो बार बार सुननी चाहिए, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। सुखी रहना है तो इस आदत को बदलना है। ठीक है, ओम शांति।